दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। तो देखिए दोस्तों, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग को टाइप करना पड़ता है यूएल और उसके बाद एलआई। एलआई के अंदर में आप, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, इसके नीचे मैं जो भी नेम लिखना चाहता हूं मैं वो लिख दूंगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे यूएल को हम लोग बंद कर देंगे। अब इसको चलिए रन करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार का लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। और डिफॉल्ट देखिए इसमें इस तरह से बुलेट्स आता है, ठीक है ना। अगर हम लोग उसका टाइप नहीं डिफाइन करेंगे तो ये डिफॉल्ट आएगा। जैसे भी हम लोग यहाँ पे यूएल देंगे, ये यूएल का होता है अनऑर्डर लिस्ट, एलआई मतलब ये लिस्ट आइटम जो हमारा है, ठीक है ना। तो ये डिफॉल्ट हमारा जो होगा वो बुलेट्स में नजर आता है हम लोग को। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टीवाईपी टाइप एट्रीब्यूट यूज करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। उसके बाद चलिए इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो देखिए वो सर्कल से क्या हो गया, बॉक्स मॉडल में बन गया। उसी तरह से और भी टाइप्स होता है, जैसे मैं इसको अगर सर्कल कर दूंगा, सर्कल अगर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये सर्कल शेप में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों इसको हम लोग, जैसे कि आप चाहते हैं अगर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट अगर आपको देना है, ठीक है ना, जैसे ये नेम हो गया और उसके बाद फिर से अगर आप यूआई यूज करना चाहते हैं, जिसे कि मैं बोल सकता हूँ उसको नेस्टेड मतलब इसके अंदर, तो आप यहाँ पे फिर से मैं यहाँ जाऊंगा और देखिए यही यूआई जो है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसके अंदर में मैं ये जो एलआई है, देखिए ये क्लोज यहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर में मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करके हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए मतलब ये जो एक हम लोग का ऊपर वाला एलआई था, तो उसके अंदर में फिर से हम लोग यूआई यूएल देके फिर से एलआई डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सब में कर सकते हैं, आपका जैसा इच्छा है, ठीक है ना। पहले ये हमारा सबसे मेन यूएल जो लास्ट में बंद हुआ है, फिर ये एलआई जो है देखिए बंद यहाँ हो रहा है और इसके अंदर में हम लोगों ने फिर से एक तो यूएल चलाया है, ठीक है। इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है ना। तो एल आई के अंदर में हम लोग फिर से यू एल का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप एच टी एम एल में लिस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा अनऑर्डर लिस्ट और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्डर लिस्ट।